सर्जिंग व्यूज, उफनती हुई लहरें, चर्पिंग बर्ड्स, चहचाती हुई चिड़िया, राइजिंग सन, निकलता हुआ सूरज, डांसिंग लीव्स विद द विंड, हवा के साथ नाचती हुई पत्तियां, ब्लूमिंग फ्लावर्स, खिलते हुए फूल, स्वेइंग ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज ही देते हैं। लेकिन आदमी जो सबसे यूनिक क्रिएशन है भगवान का, वो दुखी है, अनहैप्पी। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, हर कोई खुश होना चाहता है। अमीर लोग सोचते हैं कि उनके पास तो इतना स्ट्रेस है, इतना काम है। गरीब लोग सोचते हैं पैसा ही नहीं है तो खुश कहां से हूं। लेकिन खुशी पैसे से नहीं आती। हैप्पीनेस इज नॉट अ कमोडिटी, हैप्पीनेस कैन नॉट बी परचेज्ड, इट इज नॉट बॉट एंड सोल्ड, दिस इज नॉट इन एनी मटीरियल थिंग। ये यहां है। हम सोचते हैं हमारे पास अच्छे कपड़े होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े घर होंगे, बहुत सारा पैसा होगा तो हम खुश होंगे। बाहर ढूंढते हैं खुशी को। हैप्पीनेस बाहर नहीं है, यहां है, अंदर है। ये आपकी सोच में है से हो। वो ये नहीं सोचते कि इन चीजों को सोचने से तो और दुखी होते हैं। खुशी को ढूंढा जाता है, हमें देखना पड़ता है, अपना एटीट्यूड वैसा लाना पड़ता है अगर हम खुश होना चाहते हैं तो। इसके यहां पर मैं कुछ टिप्स डिस्कस कर रही हूं कि जिससे आपको खुशी मिले। टिप नंबर वन, डू व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं वो करें। कोई ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कह रही आपको कि आपको बहुत बड़ा इन्वेंशन करना है, चांद पे जाना है। सफाई करना अच्छा लगता है ना, डू क्लीनलीनेस। गाना अच्छा लगता है तो गाइए। बहुत सारी दुनिया में लोग ये सोचते रहते हैं, अरे मैं ये करूंगी ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। डोंट थिंक ऑफ देम, अपने लिए जियो भाई। जो आपको अच्छा लगता है वो करो। डांस करने का मन कर रहा है डांस करो, गाने का मन कर रहा है तो गाओ, सफाई करने का मन कर रहा है सफाई करो, पेंटिंग का मन कर रहा है पेंटिंग करो, लोगों से बात करो। ये सेकंड टिप है। सेकंड टिप क्या है, लोगों से बात करो। दुनिया में आधे से ज्यादा लोग तो दूसरों से बात ही नहीं करते, बस इंतजार ही करते रहते हैं ये बात करें हमसे तो तब हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है। आप खुद एक स्टेप लीजिए। आधों को ये होता है, अरे मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तो इससे बात क्यों करूं। कुछ को ये रहता है कि अरे ये गरीब है मैं इससे बात क्यों करूं, गरीब है तो अमीर से डरता रह गए तो बड़ा अमीर है मैं इससे बात करूं कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे। कभी जो आप अपने ये बैरियर तोड़िए, सबसे बात करिए, दिल का बोझ हल्का करिए। जब आप बात करते हैं तो दिल का बोझ हल्का होता है और आपको लगेगा अरे हाँ खुशी मिली है। थर्ड स्टेप है छोड़ना सीखिए। हम करते यार ये भी मेरा ये भी मेरा ये भी मेरा, बस मेरा ही मेरा है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो देने और लेने में जो देता है ना उसमें गुड हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं, अच्छी फीलिंग आती है, गुड फीलिंग आती है। जो रिसीवर है उसमें उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता। लोग सोचते हैं कि अरे मैंने इसे दे दिया ना तो कितना खुश हो गया होगा। जी नहीं, अगर आप अच्छे दिल से विद गुड थॉट्स यू आर गिविंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, इट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस। नेक्स्ट थिंग, अपने दिमाग की गंदगी बाहर निकालते रहिए।
देखो अच्छे बुरे तो सबके साथ होता है। हम जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं और दिवाली आती है, सफाई करते हैं तो हम पुरानी चीजों को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ तो वहां भी नहीं फेंकते हैं। लेकिन सीखिए, इसको कहते हैं रैलिंग क्यों। जितने हमारे संत महात्मा हुए हैं, देखो महात्मा बुद्ध हुए हैं और महावीर स्वामी हुए हैं, जितने हमारे सेजेस हुए हैं, इंडिया तो सेजेस की कंट्री है, सबने छोड़ा है। दे रोज अप, वो उठे ऊपर छोड़ने के बाद। मैं ये नहीं कह रही अब कि घर बार छोड़ दो, लेकिन जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास एक रुपया है ना, कम से कम 10 पैसे तो दो ना दूसरे को। तो चीजों से अपने आप को डी अटैच करिए, उससे खुशी मिलेगी। मेरा वो भी, मेरा उससे भी बहुत दुख होता है। मान लीजिए आपके घर में बहू आई है और आप बेटे की ही करते रहे कि बेटा मेरा ही है, मेरा ही है, सुने मेरी सुने, मेरी सुने, मेरी तरफ ही देखे, जैसे मुझे पहले बात करता था वैसे ही बात करे, कैसे पॉसिबल है भाई। थोड़ा उसका हिस्सा बहू को भी तो दीजिए ना। अब ये बात बहू पे भी अप्लाई होती है। तो इस तरीके से छोड़ना सीखिए, इससे भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट, जैसे मैं गंदगी की बात कर रही थी, जैसे घर की गंदगी हम बाहर निकालते हैं ना, ऐसे ही विचारों की गंदगी भी बाहर निकालते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमें दिख रहा है ना आदमी, वही है बस, उसके विचार तो दिखते नहीं है, लेकिन ये विचार ही हैं। एक अच्छा सा विचार जरा सोचिए, आपको विचारों की इम्पोर्टेंस इस चीज से पता चल जाएगी कि आप एक बुरा सा विचार मन में लाओ, आप ती रहते हो तो चेन बन जाती है पूरी उनकी। किसी आदमी के बारे में एक घटिया बात सोचिए, आपको वो इतनी आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो बिल्कुल वैसे ही दिखने लगता है। ऐसे ही अब उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तुमने पूरे दिन के लिए अपने माइंड में पॉइजन भर लिया है। अब वही बात चलती रहेगी। नुकसान किसका हो रहा, उसका नहीं हो रहा, नुकसान तुम्हारा हो रहा है। छोड़िए इस आदत को, जो जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा ना। हम केवल अपनी जिंदगी जिए ना, दूसरों के बारे में क्यों सोचते रहते हैं ज्यादा। नहीं सोचना, अच्छे विचार लाइए, जबरदस्ती अच्छी बातों को सोचिए। अगर आप ये कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि यू आर मोर हैप्पी। हंसना सीखिए, बचपन को लौटाइए अपने, यू विल एंजॉय द लाइफ, योर लाइफ विल बी कंप्लीटली चेंज। बीमारियां कम हो जाएंगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी मिलेगी, और यही तो चाहते हैं ना आप। चलिए, बाय बाय।